सुबह सुबह मैं तो नहा रहा था, मम्मी जी का पैर फिसल गया, मम्मी जी घुटने में लगी थी। तो कैसे गिर गई एकदम से? एक उंगली पे बैडमिंटन खड़ा करना है। बताओ पैसे के अलावा कौन कौन सी कमाई की, दिल्ली आके देखी हो तू चोर तेरे भाई की। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों जय बोलेगी गाइस, अब देखो गर्मी भी आ गई है, तुम्हारे भाई ने हाफ बाजू के अपने कपड़े भी पहनने चालू कर दिए। भाई गर्मी अब ज़्यादा लगती है, हद ज़्यादा। ऊपर देखो फैन भी चल रहा है, फुल स्पीड में चल रहा है। अब सड़ी गर्मी इसी तरह पड़ती जा रही। और आज पता क्या होगा, सुबह सुबह मैं तो नहा रहा था, मम्मी जी नीचे से तेल ला रही थी, मतलब जब सरसों का तेल होता है, और मम्मी जी का पैर फिसल गया। मम्मी जी कह रहे हैं कहाँ गिर गया, चोट कहाँ लगी आपके? लग गई थी, अपना काम कर। तो बता तो दो काम कर। अरे कहीं तो लगी होगी, ज्यादा लगी है क्या? नहीं। फिर कहाँ लगी है? गोडे में लगी थी। तो कैसे गिर गई एकदम से? तू जब पैर फिसल गया था तो तेल सारा गिर गया होगा। बकवास तू कहा जाता इतनी जगह से? अरे तो पूछ रही तो हूँ मम्मी, पूछने की भी जरूरत नहीं है, सारा गिर गया तेल। ये बता दो है, जाके देख ले कितना गिरा है। तो पोछा वोछा मरवा दिया होगा आपने। तो भाई अभी ब्रेकफास्ट बन रहा है, यहाँ पे मलाई ब्रेड बन रही है। बताओ मम्मी जी से, एक तो पूछ रहा हूँ मैं कहाँ लगी चोट, बताने को राजी नहीं है, है ना? और ये अगर मैं तेल ला रहा होता ना और मैं गिर जाता या कोई भी गिर जाता तो मम्मी का डायलॉग ये होता, आंख मींच के चल रहा होगा ना, है दूसरी दुनिया में चल रहा होगा। अब वैसे मम्मी जी अगर आपको कोई ऐसे कहे है, ये चीज सोचो कोई भी जान मुझके नहीं गिरता मेरे चक्कर। अब तू खा रहा है जली हुई? कहाँ से जली है? पीछे से जली है, देखा ना? अब तुझे दूंगी। मेरा काला कौवा हो गया। हाँ खा चल। कौन आ रहा है? अगर आप 30 साल की उम्र से पिंकी आ गई। नमस्ते, कल वाली ड्रेस पहन रखी है पिंकी। जय पिंकी, कल वाली ड्रेस पहन रखी है? हैं? दूसरी कहाँ है? वही तो है। एक चीज दिखाऊं इधर आओ, ये देखो, ये पता है क्या है? ये नंदू सबका बंधु नाड़ा। आपको एक नई खुशखबरी बताऊं, नई वाली बात बिल्कुल लेटेस्ट एकदम है पक्का। सुबह सुबह बड़ी मम्मा गिर गई, चोट लग गई बड़ी मम्मा के, पूछ लो। गोला फूट गया बड़ी मम्मा का। देखो बड़ी मम्मा का वो देख लो, चोट लग गई, चोट लग गई। पूछो कहाँ लगी है? ककड़ी खा लो, ककड़ी। वैसे गर्मी में ककड़ी बड़ी स्वाद लगती है हमें, नमक लगा के अपना खाओ। ककड़ी खाओगे? नहीं हंस रहे क्यों? फिर क्यों हंस रहे हो? क्यों कह रहा उनके लग गई इसलिए हंस रहा हूँ। मार के गया आपके ऊपर जा रहा। आप तो ऊपर जा रहे थे हैं? हैं? क्या हो गया? सुबह सुबह फोन। हाँ बहुत अच्छा बच्चा है, क्या ना मानता है, पूरे दिन फोन देखता है। गाइस एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं, चल के। गाइस दिखा दिया तो अब चल रहे हैं घर। A few moments later, गाइस घर पे पहुंच गए। और भाई डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि 2 घंटे तक ना कुछ बोलना है, ना कुछ खाना है, ना कुछ पीना है, क्योंकि जो पीछे वाले दांत का था उसका तो इलाज हो गया गाइस, जो दूसरे दांत का उसका इलाज चालू हो गया है आज से। तो उसमें कुछ रुई लगा के, मतलब दवाई लगा के वो भरी है, और भाई पूरा मुंह कड़वा हो रहा है, क्योंकि वो दवाई है जो वो मुँह में आ रही है, बेहसाब कड़वा मुँह हो रहा है। बस क्या बहुत बेकार बीमारी है दांतों की सबसे। तो मम्मी जिस रूम में सो रही है तो इस वजह से तुम्हारा भाई भी थोड़ा धीरे बोल रहा है, और इसलिए डॉक्टर ने बोला है कि 2 घंटे तक आपको चुप रहना है। लेकिन भाई व्लॉग भी ज़रूरी है, इसलिए दिमाग ख़राब होता है कि यार बोलने को ही मना कर रहा है, लेकिन व्लॉग क्यों रो रहा है? ये कहाँ रो रहा है? अच्छा नीचे से आवाज़ आ रही है कैसे रोने की, लेके गई होंगी मम्मी खेलने के लिए। क्यों रो रहे हो?
कौन आया खाना मांग रहे हैं? पागल है क्या तू? खेलने के ऊपर रो रहा है? गली में तो ऐसे पूरे दिन निकलो, बताओ खेलने के ऊपर रो रहा है? ओ भाई साहब, कहीं चीज देखो, कहीं एकदम काला बादल हो गया, कितना भयंकर वाला है देखो भाई, एकदम ऐसा लग रहा है आंधी आएगी जबरदस्त भाई। अभी इतनी कैड़ी धूप निकल ली थी, एकदम एकदम भयंकर मौसम, काला एकदम छक हो रहा है, बारिश बड़ी कैड़ी आएगी अगर आएगी तो, है एकदम काला मौसम हो रहा, भयंकर वाला जिसे कहते हैं भाई, मौसम गजब हो रहा है। लेकिन ये मौसम वो करेगा गर्मी, एकदम आतंक वाली गर्मी कर देगा गर्मी। गाइस गली में आ गया भाई, मौसम तो बढ़िया हो रहा है। तो फिलहाल ये भूमि बैठी है, आदित्य की बैठा है, अब यहाँ ये खेल लेते बैडमिंटन। तो बैडमिंटन का तो मन नहीं है खेलने का, तो हाथ चलाएंगे दर्द होगा। मैंने ये मन में कॉम्पिटिशन सोचा है, वो कॉम्पिटिशन ये पता क्या है कॉम्पिटिशन, एक उंगली पे बैडमिंटन खड़ा करना है, बताओ ठीक है ना? जो सबसे देर तक एक उंगली पे खड़ा करेगा वो जीतेगा, ठीक है ना? एक उंगली पे बैडमिंटन, और तीन जने, हम तीन जनों में एक जने वीडियो बनाएगा, है ना? दो जनों का कंपटीशन होगा फिर वो जीतेगा, ठीक है भाई ऋतिक? ठीक है भाई। पहले कौन कौन आएगा? दो, पहले भूमि और ऋतिक ही आएगी। गाइस एक ये देखो जय वीरू की दोस्ती, मतलब ये जय वीरू है, है? ये तीसरा कौन? फिर तो ये वो आ गए, क्या बोलते हैं किसकी दोस्ती होगी तीनों की, है भाई? जय वीरू विवेक। चलो चलो अब एक काम करो, तीनों दोस्त आगे को निकलो, हमारा कॉम्पिटिशन चालू होना है। चलो चलो चलो, 1 2 3 स्टार्ट। एक तू तो हार गई भाई, वो जीत गया। अब मेरी बाजी और ऋतिक के साथ। चलो भाई, नीटू भाई जीत गए, ऋतिक तू हार गया, नीटू भाई जीत गए। एक तेरा भी कब तक रहेगा ये भाई? तो प्रैक्टिस है, काय की प्रैक्टिस है, तू कब से खेलना छोड़ दिया? ए इधर दिखा। हां हां, लो लो। गाइस थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, बस क्या बोलूं, तारू सा ना शैतान बाजा बहुत ज्यादा भाई, चिड़ी मार दी, वरना भाई साहब मैं इसको रैकेट को ना एक घंटा भी रोक लूंगा एक उंगली में। अब यूं कह रहा पपली में रोक के दिखा दूंगा, मेरे से ज्यादा कोई बात नहीं, आप वैसे ही बता दोगे, पपली तो अकेला ही आ जाए। चल नहीं हो रहा, पपली का हेयर कट देगा और टोप उतार के। अरे पपली अभी से हार गया, दे 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 दे, मेरे से कौन जीतेगा ये बताओ मैं। तो गाइस फाइनल हो चुका है डिसीजन, सब हार चुके हैं, कौन जीत गया? जीत गया गाइस, मजा आ गया भाई बच्चों के साथ खेलने में। ना तो चक्कर लग रहे हैं गिन गिन के। मम्मी जी ने खाना भी खा लिया होगा, मम्मी जी को अभी मैं छेड़ूंगा ना तो गुस्सा करेंगे, थोड़ी देर में मम्मी से कहूँगा डिनर दे दो, अपना खाते हैं, भूख लग गई है। तो एक गाइस तो फिलहाल डिनर कर लिया, तो अभी तुम्हारे भाई ने ली है आइसक्रीम, क्योंकि डॉक्टर ने तो बोला है भाई आइसक्रीम खा सकते हैं, ठंडी है क्योंकि आराम भी करेगा पेट में जो ठंडक पहुँचाएगी। तो फिलहाल इस व्लॉग को एंड करते हैं, आई होप आपको व्लॉग पसंद आए, पसंद आए तो लाइक कर देना, जो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं ऐसी नए व्लॉग के साथ, आज के लिए बाय।